हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं एक सगाई में, जो कि हमारी कज़न सिस्टर की है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं कौशाम्बी गाज़ियाबाद। तो वहाँ का कुछ ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि किसी को पता ही नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ऐसे मतलब मेरा फ्रीडम चला जाएगा सिंपली। थोड़े टाइम में जब फेमस हो जाएंगे तो बता देंगे, और क्या। बाहर कैब वेट कर रही है, आधे घंटे में पहुँचेंगे और बस आगे का ब्लॉग वहीं पर शूट करेंगे। लेट्स गो। मेरा आउटफिट ऑफ द डे, ये बताओ जूते कैसे लग रहे हैं। कैब आ गई भाई, पहले अंदर चलते हैं, कैब में बैठते हैं। राधिका से हाय टू माय ब्लॉग। अच्छा, लड़कियों से ज्यादा टाइम तो तुम्हें तैयार होने में लगता है। और लेट किसने करा आज? तुमने। बकचोदी हूं आरुष, मैं सुबह ज़ुम्बा भी होकर आ गई हूँ। ठीक है, मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी कर लिया, फिर मैं बाल धोकर हेयर स्टाइलिंग करके रेडी हुई हूँ। लाइक एवरीथिंग आई डिड इन मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट करने जा रहे, फिर क्या फायदा हुआ ज़ुम्बा करने का? कम से कम अगर 6:30 बजे तुम उठोगे तो तुम्हें अब तक भूख नहीं लगेगी। मैं तुम्हारी तरह 11 बजे थोड़ा ना उठी हूँ। अबे ओ, 11:15 हो, एहसान आपका सर। अरे यार, अभी तो बहुत टाइम है फंक्शन में। चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हें तो एक्साइटमेंट होती नहीं है किसी से भी मिलने की। अच्छे लोग हैं यार, ठीक है गाइस। यार लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, तुझे क्या दिक्कत है? माय फैमिली ऑफ 178 पीपल। इससे ज्यादा तो मेरी क्लास में थे। बताओ। ये भी सही है गाइस, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, आपकी इज्जत बढ़ेगी इससे। समझते ही नहीं। आओ इन आईएमटी के बच्चों का थोड़ा टेस्ट लेते हैं, फिर अब इन्होंने बता ही दिया है आईएमटी के है तो। अच्छा राधिका, एक बात बताओ। बोलो। जैसे पहले तो आपको रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। हम रामनवमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये तो आपको बताना पड़ेगा अपने सब्सक्राइबर्स को। कोई बात नहीं गाइस, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और कुछ ना पता हो तो भी जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुत्व। रामनवमी हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। लॉर्ड राम वॉज बॉर्न ऑन रामनवमी। ओ तो फिर जो दशहरे से पहले वाले नवरात्र होते हैं तब भी हम नवमी सेलिब्रेट करते हैं। अबे वो नवमी होती है नवरात्रि की, ये भी रामनवमी और नवमी अलग अलग नहीं हो सकती क्या? नवमी नाइन्थ। अच्छा ओके, अंडरस्टूड। अरे यार, ये जेन्युइन क्वेश्चन तुम्हारे किसी सब्सक्राइबर का भी हो सकता था, तो मैंने पूछ के थोड़ा इजी कर दिया, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। अच्छा, वरना तो राधिका को सारा पता था, वो तो तुम लोगों के लिए पूछ लिया। ये तो बहुत समझदार है, आप भी वकूफ हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है राधिका। कट नहीं करूंगा, सौरव बिल्कुल अनकट डालूंगा, तुम थोड़ा आज लंबा ही ब्लॉग देखो। गाइस, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं ब्रश करना भूल गया और अब मैं रास्ते में हूँ। यार होटल वाले एक डेंटल किट तो दे ही देंगे। आरुष, नहाना तो नहीं भूल गए ना? नहा के आया हूँ, फेस वॉश नहीं किया बस। ओह गॉड, तू कैसे तैयार होता है? कपड़े पहनता हूँ बस, और बाल ऐसे करता हूँ, कंघी भी नहीं करता हूँ, कोम नहीं करी मैंने 2 दिन से। देखो फिर भी झटका है तुम्हारे भाई का, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। आज का ब्लॉग का कंटेंट मिल गया, होटल वालों से बोलूंगा सर डेंटल किट चाहिए, वो बोलेंगे सर स्टे कर रहे हो? नहीं सर, सगाई अटेंड करने आए हैं। वो भी कहेंगे साले कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मजा आएगा, देखते हैं। और सालों ने अगर नहीं दी डेंटल किट, कसम मजा आ रहा है, ऐसा थंबनेल बनाऊंगा रेडिसन या फिर जो भी आर फ्रॉड, भाई कभी मत आना इस होटल में, ऐसे ऐसे लिख दूंगा, लेट्स गो। भाई डेंटल किट मांग ली है तो अरे भाई ने हिम्मत करके, बहुत बेइज्जती लगी, उन्होंने पूछ लिया सर आप इन हाउस गेस्ट हो क्या? मैंने कहा नहीं, फंक्शन अटेंड करने आया हूँ। चलो लेट्स सी क्या होता है, देते भी हैं या नहीं। ग्रेट सक्सेस।
हाँ भाई, तो सगाई बहुत अच्छे से हो गई, खाना भी बहुत अच्छा था, और ये मेरे को बोलने के लिए नहीं कहा गया। बाकी ये रहा मेरा सूटकेस, मैं वापस जा रहा हूँ जनकपुरी, क्योंकि कल से फिर से कॉलेज है, और मम्मी से मैंने कंफर्टर मंगवाया था वो भी मिल गया। चलो बाकी का व्लॉग मेट्रो में कंटिन्यू करते हैं, मैं भी कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ जहाँ कल आया था। लेट्स गो। ऊपर का तुम्हें मौसम दिखाता हूँ, मैं दाबरी मोड़ आ गया और देखना अंदर ऊपर हो रही है अंधाधुंध बारिश, और लोग खड़े हुए वहाँ पे वेट कर रहे हैं। इतना सा डिस्टेंस है मेरे घर और दाबरी मोड़ में कि कैब भी नहीं ले सकते, और क्या करूँ देखता हूँ। अबे यार, और ये अगर आप लोग दाबरी मोड़ आए हो तो आपको पता ही होगा वॉक करके जाना पड़ता ही है कम से कम 100 मीटर। लो भाई कमाल कर दी। अरे वाह, मेरा नाम ही नहीं ले रही, ये क्या बात है। और हाँ, कमाल की बात भाई, मैं पूरे रास्ते सूखा आया, और जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा ना घर के लिए, ई रिक्शा से उतर के कुत्ते में भीग गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, अब आपको कुछ दिन मैं फ्लैट में बिल्कुल अकेला मिलूंगा, यहाँ पे सुयश भी नहीं है मेरा फ्लैटमेट, क्योंकि वो निकल गया है गोवा के लिए, उसकी फ्लाइट में बिल्कुल टेक ऑफ कर गई होगी, 6 बजे की फ्लाइट थी। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, अब मैं आपको इस फ्लैट में अकेला दिखूंगा 4-5 दिन। तो बस दैट्स इट, आगे का व्लॉग जरा कपड़े चेंज करके बनाता हूँ, थोड़ा भीग गया हूँ। मैंने सोचा था आज कुछ भी हो जाए जिम जरूर जाऊंगा, पर बारिश हो गई, पर फिर भी जिम जरूर जाएंगे, कुछ भी हो जाए जिम तो जाऊंगा, देख ही जाएगी जो होगा, पर जिम जाऊंगा। लेट्स गो भाई, जिम तो आ गया, पर आज जिम जाके गाली पड़ेगी राहुल भैया से, बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, तबीयत ही खराब थी यार, 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, सॉरी 3 दिन की। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। हाँ भाई, जिम से आ गए हैं और आज अपना डिनर बनाएंगे खुद, तो चलो चलते हैं सामान खरीद के लाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, और सीधा मिलते हैं मेरे किचन में। तो भाई हमारे पास है 3 सॉस पैन जिसमें दूध गर्म करते हैं, और वो तीनों गंदे हैं, 1, 2, 3, और साथ में जिसमें मैं दूध बॉयल करता हूँ, सिर्फ जिसको दूध बॉयल करने के लिए ही लिया हुआ है वो भी गंदा है। तो पहले इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह भी काम आएंगे और अभी भी, और फिर आगे दिखाते हैं कुकिंग अपना डिनर कैसे बनाऊंगा मैं। बर्तन धो लिए और दूध बॉयल करने लगा दिया, साथ साथ मैं प्याज टमाटर और पनीर काट लेता हूँ। हाँ भाई, चॉपिंग हो गई वेजिटेबल्स की, और अब चलते हैं इधर की तरफ, दूध भी बॉयल हो गया है, अब बस पैन को थोड़ा हीट करते हैं, इसमें घी डालते हैं, घी गर्म हो गया है और इसमें से धुएं उठने लगे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अदरक और जीरा डालते हैं, बस फिर इसमें थोड़ी सी वेजीज ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लो, और जब सब्जियां कुछ ऐसी दिखने लगे तो इसके अंदर अपनी पसंद के स्पाइसेस और चीज़ डाल दो। मैं इसको ग्रेट करके डालूंगा, आप चाहो तो चीज़ क्यूब्स भी डाल सकते हो, और स्पाइसेस भी बता देता हूँ, आई एम यूजिंग सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर एंड किचन किंग, दैट्स इट। चलो बस बना के मिलता हूँ, बहुत भूख लग रही है, साथ में खाऊंगा 3 स्लाइस ब्रेड के, रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, एंड योर हाई प्रोटीन टेस्टी डिनर इज रेडी। तो चलो गाइस, आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और बस अब मैं भी डिनर करता हूँ और आज के इस दिन को एंड करता हूँ, कल मिलते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेस कल के लिए ये है कि कल मुझे सोते हुए इंसान को, हाथी को उठाएगा कौन। सुयश भाई तुम कहाँ चले गए, क्यों घूम रहे हो तुम गोवा रशियंस के साथ, मान नहीं रहे बिल्कुल भी, सारी रशियंस देख देख के, जब वो स्नैप भेजेगा ना, मैंने तो स्नैपचैट डिलीट कर दी, एक भी स्नैप नहीं खोलने का, एक भी भाई। मैं भी जाऊँगा किस दिन गोवा, पर इस बार इसे घूम के आने दो, जब इसे पता चल जाएगा ना क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर हम दोनों साथ में एक ट्रिप बनाएंगे, डू ट्रिप टू गोवा, और बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।